हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज के इस दौर में हेल्थ सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत से स्टूडेंट इस फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो आज मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बताने वाली हूँ। बीएससी नर्सिंग भी इसी फील्ड से रिलेटेड, मतलब कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही एक कोर्स है जिसके बारे में मैं आज बताऊँगी। क्योंकि देखा जाता है फ्रेंड्स कि ट्वेल्थ के बाद जब लोग चाहते हैं कि हाँ मेडिकल फील्ड में आए तो बस एक MBBS ही जानते हैं, उसके अलावा और ज़्यादा कोर्स के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि एक बीएससी नर्सिंग है जिसके जो क्या है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी अवेयर हो ताकि एक सेकंड ऑप्शन ये रख सकें। तो उनके मन में भी आता होगा कि आखिर बीएससी नर्सिंग है क्या, कौन कर सकता है, इसका क्वालिफिकेशन मतलब कि क्या होगा, कितने मार्क्स चाहिए। तो इन सारे इसका इससे रिलेटेड जो भी क्या कैरियर ऑप्शन होगा, ये सारा जो उनके मन में जो भी सवाल आते होंगे, हम उसको सॉल्व करने का आज ट्राई किए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है। तो सबसे पहले इसका एक फुल फॉर्म क्या है पहले ये जानते हैं। बीएससी नर्सिंग मीन्स की बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये एक यूजी कोर्स है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि ट्वेल्थ के बाद हम कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है फ्रेंड्स, तो इसका क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ट्वेल्थ का मतलब कि आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ट्वेल्थ पास होना चाहिए विथ साइंस, मीन्स कि आप साइंस से ट्वेल्थ पास हो और आपका मतलब हर सब्जेक्ट में पास हों आप, 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर एग्ज़ाम होता है, इसका हर यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना एग्ज़ाम लेता है। अभी तो मतलब जैसे कि बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग लेने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उसका जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर देख लेते हैं हर यूनिवर्सिटी अपना अगर निकाल रहा है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, तो उसका अपना फॉर्म निकालेगा, उसको भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, अगर क्वालिफाई हो गए तो फिर उसमें अपना एडमिशन होगा। लेकिन जैसे कुछ कॉलेज जैसे कि IGMS को ले लेते हैं, तो ये जो है नीट के थ्रू ही, नीट में आपका जो स्कोर आएगा उसके थ्रू ही बीएससी नर्सिंग इसमें मिलेगा। तो आपको नीट का ही एग्ज़ाम देना, उसमें जो भी स्कोर आएगा उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब एडमिशन प्रोसेस भी देख लिए, बीएससी नर्सिंग क्या है ये देख लिए, कौन कर सकता है ये भी देख लिए, और कितने मार्क्स चाहिए बता दिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए। और नेक्स्ट अब इसका देख लेते हैं कि फ़ी कितना लगता है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है 4 साल का कोर्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अगर हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर हम करते हैं तो इसका फ़ी बहुत ही कम, इवन ना के बराबर होता है। बहुत सारे कॉलेज में कॉलेज फ़ी जो होता है नहीं लेते हैं, बस हॉस्टल चार्ज ले रहे हैं आपका रहने का, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज का है। लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, जैसे कि अगर IGIMS का ही लेते हैं एग्ज़ाम्पल, कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का लें, तो आपका कम से कम 20 to 30,000 पर ईयर होगा, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में देख ले तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ी होता है, एटलीस्ट मतलब लगभग में अगर आप देखें पूरा कोर्स का 4 से 5 लाख आपका लग जाएगा, लगभग मैं बता रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये जो है 4 साल का होता है। 4 साल में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, क्लिनिकल भी होगा, इंटर्नशिप भी होगा, सारा इस 4 ईयर में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग से नहीं कोई करना है इंटर्नशिप, 4 ईयर में ही आपका प्रैक्टिकल भी होगा और प्लस में क्लिनिकल वर्क भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मन में सवाल आता है कि अगर हम बीएससी नर्सिंग करें तो हमारा जॉब ऑफर क्या होगा, मतलब कि बीएससी नर्सिंग के बाद हम कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो जनरली लोग बीएससी नर्सिंग से यही समझते हैं कि बस एक नर्सिंग स्टाफ ही हो, पर ऐसा नहीं है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपका
तो सबसे पहले हाँ ये चीज़ है कि स्टाफ नर्स है, तो सबसे पहला मतलब कि अगर देखा जाए कि टॉप पेस्ट में तो स्टाफ नर्स है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप एज अ स्टाफ नर्स कहीं भी वर्क कर सकते हैं, आप घर नहीं बैठेंगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ये चीज़ है। तो एज अ स्टाफ नर्स आप वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइज़र, नर्सिंग सुपरवाइज़र और वार्ड सिस्टर की तरह वर्क कर सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तरह वर्क कर सकते हैं, होम केयर नर्सेज की तरह कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ट्यूटर बन सकते हैं, इसके अलावा आप मिलिट्री नर्स बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स की तरह वर्क कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर अभी जो आया है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो सबसे मतलब कि उसमें भी आप जा सकते हैं, अगर मान लेते हैं इन सब में नहीं जाना चाहें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब कि जॉब ऑप्शन है, तो हमेशा ये मन में रहता है कि बस नर्सिंग फील्ड में बस नर्स ही ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप बहुत सारा कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आपके मन में आता होगा कि सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी तो जैसे कि आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया तो ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी आती है, मीन्स इतना होगा कि आप घर नहीं बैठेंगे। और इसके अलावा अगर और कुछ आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और जितना मुझे लग रहा था मुझे बताना चाहिए कि आखिर नर्सिंग कोर्स क्या है, कौन कर सकता है, इसमें जॉब ऑप्शन क्या है, फ़ी क्या है, तो ये सब कुछ हम बता चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। एक बात और है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम जो भी कैरियर के बारे में बताएं, जो भी ऑप्शन दिए कि बीएससी नर्सिंग के बाद ये कर सकते हैं, वो सब कुछ कुछ जो भी बताएं वो हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद जस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नर्सिंग स्टाफ का ऑप्शन दिए, ट्यूटर का ऑप्शन दिए, CHO का ऑप्शन दिए, या फिर जो भी एक्स्ट्रा में जो भी ऑप्शन दिए, वो सब कुछ हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बीएससी नर्सिंग करने के बाद उससे आगे भी पढ़ाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उससे भी अच्छी जॉब आपको मिलेगी। जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उससे आगे कि अगर और आप पढ़ाई करना चाहें तो PhD कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, उसके आगे मतलब जितना भी, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं नर्सिंग करके। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कैरियर का, सिर्फ नर्सिंग नहीं है। हमारे मन में बस एक आ गया है कि बस नर्सिंग ही, अगर हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बस नर्सिंग ही ऑप्शन, नहीं, इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेंगे तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, उससे भी और आगे चले जाएंगे, तो मतलब PhD कर लेंगे तो और अच्छा जॉब आपको मिलेगा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं बस ट्राई की हूँ आपको समझाने का कि ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं और इसमें भी आप बेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, अगर नहीं भी समझा पाई हूँ तो आप पूछें, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।